मैंने जब गाना सुना तो पंजाबी था पूरा, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था अंडरस्टैंड करने के लिए, बट देन आई अंडरस्टूड द लिरिक्स. मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है दैट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड द काइंड ऑफ रील्स पीपल आर मेकिंग. दे ऑलरेडी हैव लाइक अराउंड 40,000 रील्स मेड. इट्स नॉट इवन बीन, आई वॉज द लास्ट वन टू कम ऑन बोर्ड बिकॉज तब तक तन्मय सब कुछ बाकी सिलेक्ट कर रहे थे. Yes, all right, guys. पत्थर वर्गी रुला दिया. I mean, what a song, guys. Many थैंक यू. congratulations. I mean, कई गाने देखे हैं हमने, पर इससे I literally thought I'm watching a movie. I mean, I so wanted it to be more. So, दोनों से ही जानना चाहेंगे, जब स्टोरी सुनी, इस गाना ये गाना सुना, स्टोरी सुनी, आपका किस तरह का रिएक्शन था? मैं तो आई थिंक मैंने पहले भी बोला है, यू वांट टू गो फर्स्ट टाइम. मैं पहले भी सुना है, मतलब बोला है कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जानीज लिरिक्स एंड यू नो प्राक्स म्यूजिक एंड हिज वॉइस एंड देन रणवीर इज ऑल्सो संग वेल. तो मैंने जब गाना सुना तो पंजाबी था पूरा, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था अंडरस्टैंड करने के लिए, बट देन आई अंडरस्टूड द लिरिक्स एंड द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग एंड आई इंस्टेंटली लाइक इट एंड देन वी डिसाइडेड दैट लेट्स गो फॉर इट. सो दिस इज हाउ आई केम ऑन बोर्ड एंड आई थिंक आई वॉज द लास्ट वन टू कम ऑन बोर्ड बिकॉज तब तक तन्मय सब कुछ बाकी सिलेक्ट कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे. इट इज यू नो तन्मय हैज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. ही इज नॉट जस्ट द एक्टर इन द म्यूजिक वीडियो, बट बिहाइंड द कैमरा भी इनका काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था हर चीज में. तो यस Yes, so it would be great to know from you, Tanmay, क्योंकि स्क्रैच से आप इसका हिस्सा रहे हो. जी. जैसे रणवीर ने ये मेरे को गाना सुनाया. सो जैसे हिना ने बोला कि बी प्राग एंड जानी, तो कोई इंट्रोडक्शन की या इवन जरूरत नहीं है. कोई जरूरत नहीं है. तो आप वैसे और बींग अ पंजाबी मुझे पहले में ही समझ आ गया था. तो देन कमल एज अ डायरेक्टर केम ऑन बोर्ड एंड देन जो अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि वीडियो का जो आपको पोर्शन जो हमने डिसाइड किया था. सो यस आई वाज इन्वॉल्व इन राइटिंग द ड्राफ्ट, यू कैन से मेकिंग अ ड्राफ्ट, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन एवरीथिंग. था और कुछ करने को था नहीं. तो मैंने नई नई ऑनलाइन कोर्स से एडिटिंग सीखी थी, तो मैंने एक वो बनाया था शॉर्ट ब्रेकडाउन का, एक स्टोरी जैसे एक वो बनाया था. तो वो आई गेस वो हीना ने भी देखा होगा जब कमल ने भेजा होगा. तो वहां से स्टोरी का एंड देन कमल ने जैसे इन्होंने पहले भी काम कर रखा है कमल के साथ, तो कमल स्टोरी प्रेजेंट करने में बहुत अच्छा है. दैट आई मस्ट से कि बस ही हैज अ गुड विजन रिगार्डिंग दैट. सो आई गेस वीडियो का क्रेडिट हम कमल को दे सकते हैं. Of course, and the way you guys have portrayed it, I mean, wonderful. We are ऐसे मतलब जब गोली लगती है फिर लगती है, oh my god, क्यों, why, and ये, you know, we thought Hina is back and all of that really happened. How sweet, how sweet. Thank you so much, Neha. Well, कहानी ही ऐसी थी कि उसकी एंडिंग इतनी दर्द भरी हो, बट नंदलेस मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है दैट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड द काइंड ऑफ रील्स पीपल आर मेकिंग. दे ऑलरेडी हैव लाइक अराउंड 40,000 रील्स मेड. इट्स नॉट इवन बीन मोर देन 40,000 रील्स एंड ओ सॉरी 45. सॉरी मैंने देखा नहीं, मैं अपनी दुनिया में बिजी दो हूँ. घंटे पहले मैंने 40 देखी थी, अभी मैंने जस्ट चेक किया तो 45 क्रॉस है. वाओ. सो या आई मीन पीपल आर रियली लाइकिंग इट. तो अच्छा लग रहा है, अगर आपको भी जेन्युइनली गाना अच्छा लगा है तो रियली नाइस. एंड ये गाना आई गेस ये गाना भी ऐसा है कि ये स्लोली स्लोली पिकअप करेगा. यू कांट से कि जैसे वो पेपी नंबर नहीं या एकदम क्यों ना बोल. इट्स अ सोलफुल सॉन्ग आई फेल्ट. या इट्स अ सोलफुल जो भी सॉन्ग. या सोलफुल सॉन्ग होता है वो एक लंबी जर्नी लेता है क्रिएट एन इम्पैक्ट. या